आज हम सीखेंगे कोरलड्रा के अंतर्गत टेक्स्ट को लिखना और पेज को सेट करना। इसके लिए आपको सबसे पहले कोरलड्रा को ओपन करना होगा। जैसे अभी मेरी स्क्रीन पर तो कोरलड्रा ओपन है, लेकिन हम इसे दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो कोरल को ओपन करने के लिए आपको सर्च बार पर टाइप करना है कोरलड्रा। जैसे ही आप कोरल को टाइप करेंगे तो यहाँ सर्च बार में कोरलड्रा सर्च होकर आ जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ से कोरलड्रा पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां से कोरलड्रा पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये समय लेगा और आपके सामने कोरल की स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। अब जब कोरल जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है तो इसमें जो फर्स्ट विंडो ओपन होती है वो होती है हमारी क्विक स्टार्ट विंडो। इस क्विक स्टार्ट विंडो को हम क्विक स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं और इसी विंडो को हम वेलकम विंडो भी कहते हैं या वेलकम विंडो के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इस वेलकम विंडो के अंतर्गत आपको राइट हैंड तरफ मिलता है स्टार्ट न्यू ऑप्शन। इस स्टार्ट न्यू ऑप्शन के अंतर्गत आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी हम कोरल पर डाटा टाइप करना चाहते हैं और पेज को सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ से अभी के लिए हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। हालांकि इसमें हमें एक और ऑप्शन मिलता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, लेकिन अभी हम टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से बनाए हुए फॉर्मेट, तो हमें उन पर काम नहीं करना है। अभी तो हमें न्यू पेज लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक कोरल की एक मैन स्क्रीन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इस स्क्रीन में सबसे टॉप में आपको यहाँ ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, ये कहलाती है हमारी मेन्यू बार। तो यहाँ पर आपको ये मेन्यू बार से दिखाई देगी। इसके अंतर्गत अलग अलग मेन्यू दिखाई देंगे। इन सभी मेन्यू का हम बखूबी यूज कर सकते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड तरफ आपको मिलता है टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स का यूज किए बिना हम कोरल पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी यदि हमें कोरल पर कोई काम करना है तो उसके लिए हमें इस टूल बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमें इसी के जस्ट राइट हैंड तरफ मिलता है कलर प्लेट। अगर किसी टेक्स्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हमें कलर करना हो तो उसके लिए हमें इस कलर प्लेट का यूज करना होता है। और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का एनवायरनमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो बॉर्डर दिखाई दे रही है ये कहलाता है हमारा पेज। जितना बॉर्डर इसमें दिखाई दे रही है ये पूरा हमारा एक पेज का एरिया कहलाता है। तो इस ये बाय डिफॉल्ट तो ये पेज हमारे सामने ओपन होकर के आ जाता है, लेकिन अगर इस पेज को आप सेट करना चाहें तो सेट भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेज सेटिंग में आता है पेज की साइज को सेट करना, क्योंकि पेज जो है अलग अलग साइज के होते हैं। तो आप किस साइज के पेज पर काम करना चाहते हैं वो आपको चूज करना होगा। तो इस कोरलड्रा के अंतर्गत हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बार ओपन होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये पेज इंसर्ट होगा वहीं पर इसकी टॉप में प्रॉपर्टी बार भी आ जाती है। कई बार हो सकता है ये प्रॉपर्टी बार नहीं आए, तो इसको लाने के लिए आप ये टूल बॉक्स जो लेफ्ट हैंड तरफ दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टूल, जिसका आइकॉन होता है ए। इस पर आप राइट क्लिक करके भी इसे ला सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी बार। अगर इस प्रॉपर्टी बार से चेक हटा हुआ है तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी बार नहीं आएगी। ये देखिए मैंने चेक हटा दिया है तो टॉप तरफ से वो प्रॉपर्टी बार यहाँ से हट चुकी है। अगर दोबारा लाना है तो हम टूल बॉक्स में टेक्स्ट टूल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है हमें प्रॉपर्टी बार, इस पर हम चेक लगा देंगे। जैसे ही आप चेक लगा देंगे तो ये देखिए अब टॉप तरफ वापस से प्रॉपर्टी बार शो हो चुकी है। तो इसमें हमें सबसे पहले पेज की साइज लेना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में मिलता है पेज साइज। वैसे तो कई साइज के अलग अलग पेज होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ज्यादातर पेज हम यूज करते हैं वो होता है हमारा A4 साइज का पेज। तो यहाँ से अभी हम A4 ही लेंगे। बाय द वे अगर कभी सेट नहीं है तो आप यहाँ से A4 साइज का पेज सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से A4 साइज पेज का सेट करते हैं तो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। अब हाइट के और विड्थ के बाद आता है पेज का ओरिएंटेशन सेट करना। ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब हमारा खड़ा पेज और लैंडस्केप मतलब हमारा आढ़ा पेज। तो आप किस प्रकार के पेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? तो जैसा भी पेज आप लेना चाहें उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो पेज है वो पोर्ट्रेट है।
अगर मान लीजिए मुझे लैंडस्केप चाहिए तो हम यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका लैंडस्केप एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मान लीजिए पोर्ट्रेट पर ही काम करना है तो हम वापस से पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए फिर से हमारे सामने पोर्ट्रेट पेज ओपन हो जाएंगे। ये तो हुआ हमारा पेज को सेट करना और उसका ओरिएंटेशन सेट करना। अब आता है हमारा पेज को जूम इन जूम आउट करना, कि पेज की साइज को अगर यहाँ से जूम इन जूम आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए आप माउस में व्हील कर्सर का यूज कर सकते हो। व्हील कर्सर को जैसे ही आप घुमाएंगे तो ये पेज की साइज छोटी होती चली जाएगी, और जैसे ही अपोजिट साइड घुमा देंगे तो वापस से छोटा और बड़ा दोनों सेट हो जाएगा। जैसा भी आप करना चाहें उतनी साइज में आप इसको मूव करके और सेट कर सकते हैं। ये तो हुआ माउस से सेट करना, लेकिन अगर आप ऑप्शन से भी सेट करना चाहें पेज का जूम इन जूम आउट तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन से मिलता है जूम टूल। इस जूम टूल पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जूम टूल पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार ये टॉप में आ रही है। इसमें आपको देखिए सबसे फर्स्ट में ऑप्शन मिल रहा है जूम इन, तो जैसे आप जूम इन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उतना जूम हो जाएगा। अगर आप जूम आउट पर क्लिक करेंगे तो उतना जूम आउट हो जाएगा, मतलब जितना भी पेज का एरिया हमें सेट करना है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पेज पर टेक्स्ट को लिखना, कि पेज तो हमने सेट कर लिया है लेकिन हम इस पर टेक्स्ट कैसे लिखें। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको टूल बॉक्स के अंतर्गत ऑप्शन से मिलता है टेक्स्ट टूल, तो यहाँ से आपको इस टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है। इसका आइकॉन होता है ए, तो जैसे ही आप यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा आपके माउस के साथ। अब आपको जहाँ से भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है वहां से आप इस पेज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है तो ये कर्सर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको जो भी कंटेंट अपना लिखना है वो कंटेंट आप टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी एकेडमी का ही नाम ले लेती हूँ, तो मैंने अपनी एकेडमी का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है, शुभम एकेडमी डीसीए एंड पीजीडीसीए। और एड्रेस में हमने दे दिया है यहाँ पर सेमिनरी रोड आस्था, ठीक है। ये कंटेंट अब हमने इस पर टाइप कर दिया। अब अगर हमें इस कंटेंट की साइज को बढ़ाना हो, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो या कलर करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है फॉन्ट की साइज को बढ़ाना और फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, डिलीट करना हो या कलर करना हो तो उसके लिए हमें आवश्यकता लगती है पिक टूल की, जो हमारा टूल बॉक्स में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो हम यहाँ से पिक टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट पर ये छोटे छोटे डॉट एक्टिव हो जाते हैं। आप किसी भी एक डॉट पर क्लिक को प्रेस करके रखें और माउस को थोड़ा सा मूव कर दीजिए, जितनी भी आपको साइज बढ़ानी है उतना आप इसे मूव कर दीजिए। ये देखिए उतना हमारे टेक्स्ट की साइज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, जैसे अभी थोड़ा सा लाइट वेट आ रहा है, डार्क बोल्ड करना हो हमें, तो उसके लिए देखिए इसकी टॉप में प्रॉपर्टी बार आती है फॉन्ट प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ से इस फॉन्ट लिस्ट पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग फॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अप्लाई करना हो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप उसे सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए हमने यहाँ से डार्क फॉन्ट स्टाइल लिया था तो हमारा टेक्स्ट अब डार्क फॉन्ट में यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हमें इस टेक्स्ट पर कलर को करना है तो हम कलर को भी कर सकते हैं। कलर को करना है तो उसके लिए टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कलर प्लेट जो है हमारी कोरल स्क्रीन के अंतर्गत राइट हैंड तरफ शो होती है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के हमारे कलर दिखाई दे रहे हैं। जो भी कलर आपको लेना हो वो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे मान लीजिए मुझे टेक्स्ट पर ग्रीन कलर ही देना है तो हम यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया है हमारा टेक्स्ट ग्रीन कलर में आ गया है। राइट करना है तो राइट कलर, इस प्रकार आप जो भी कलर टेक्स्ट पर करना चाहें वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारी ये कलर प्लेट शो नहीं होती है, तो इसको शो करने के लिए आप विंडो मेन्यू में जाएं और विंडो मेन्यू में आपको ऑप्शन से मिलता है कलर प्लेट, और कलर प्लेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई तरह की अलग अलग प्लेट मिलेंगी, जैसे डिफॉल्ट प्लेट, सी एम वाई के प्लेट, आर जी बी प्लेट। तो जिस प्लेट को भी आपको ओपन करना है आप उस पर क्लिक कर देना तो वो प्लेट ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे अभी इससे पहले एक प्लेट आ रही थी
मैंने एक और कलर प्लेट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ डबल कलर प्लेट हमारी शो हो चुकी है। तो इस प्रकार हम कोरल के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।